हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी सवारी निकल चुकी है मेले के लिए। तो हम जा रहे हैं नाइट आउट करने के लिए, मेले में घूमने के लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं ऑटो से, बस थोड़ा सा आगे जाना था क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी, तो ऑटो को आगे जाना ही नहीं दे रहा जा रहा था। फिर क्या, हम आगे पहुँचे तो देखा यहाँ बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है, छोटे छोटे मिनी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर बहुत अलग अलग वैरायटी से चीज़ें मिल रही थी। यहाँ आप देखोगे पूरे एक साइड पर नमकीन के कॉर्नर्स हैं, एक साइड पे फूड कॉर्नर है, और बहुत अलग अलग लैम्प्स और मिट्टी के बर्तन अलग। हमने बहुत सारी वैरायटी देखी। और अभी तो हम सिर्फ रास्ते में ही, अभी हम अंदर जाएंगे मेले में तो क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा। हमारी नज़र तो सिर्फ लाइटनिंग वाले बलून्स पे ही थी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था गाइस। तो यहाँ हम चलते जा रहे थे और अलग अलग वैरायटी देखते ही जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आपको पता है यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा। बट हाँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, क्योंकि भीड़ काफ़ी है तो मैं अपने सामान का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और मेन चौक पे तो था, पुलिस वगैरह भी थे, पर यहाँ मेन मेले में ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बट अपना सामान आप खुद ही संभालना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर एक फेमस मंदिर भी है गाइस, कहते हैं ये मेला इस मंदिर की वजह से ही लगता है। माता रानी का मंदिर है और इसमें एक फेमस प्रसाद भी है, हलवा पराठा, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगी कैसा होता है। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, मतलब बहुत सारी। और कपड़े आपको, कपड़े भी मिलेंगे और अलग अलग रेंज पे हैं। ऐसा नहीं है कि मेला है तो कम में मिलेंगे, बट प्राइजेज और पीसेज आपको अलग अलग मिलेंगे। तो देखते हैं आगे कैसा क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे साथ में थे, फिर हम झूले में चले गए। बच्चे क्या, हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने हमने सोचा पहले बच्चों को झूला ले फिर खुद झूलेंगे, फिर यहाँ हम खुद झूलने के लिए चले गए। और मुझे पहले बहुत डर लगता था झूले से, बट जब मैं एक दो राउंड पे घूमी तब तक तो ठीक था, पर यहाँ से ऊपर से इतना छोटा छोटा लग रहा था ना सब कुछ, पर वो नज़ारा देखने लायक था। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इतने बड़े झूले में से, मतलब मुझे बहुत डर लगता झूलों से। फिर क्या, आगे हम गए तो यहाँ पे हमें भूत बंगला भी दिखा गाइस, और इतनी हॉरर आवाज़ आ रही थी यहाँ से, और हम तो डर ही गए थे। फिर हम आगे गए, यहाँ पे हमें देखने को मिला मौत का कुआं, और एक कैमल राइड भी थी। मेरी डर गई थी क्योंकि वो भूत वाले बंगले में आवाज़ आ रही थी, मौत के कुएं की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्केयर हो गई थी। फिर क्या, एक तो हमने ना झूला झूला था ना, तो उसकी वजह से हमारा पेट पूरा घूम चुका था। फिर हमने कुछ, हमने डिसाइड किया था कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ और करेंगे, नहीं तो झूलों की वजह से हमारा पूरा मूड स्पॉइल हो जाता। फिर क्या, यहाँ पे एक एक्वेरियम था, कह रहे थे ऑक्टोपस है ऑक्टोपस, पर हम अंदर गए ना तो हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, क्योंकि जैसे एक एक्वेरियम में घूमो, फिशेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज होती हैं, वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिला। हमें लगा पूरा पैसा वेस्ट है इस पे, क्योंकि हाँ, अगर जिसको शौक़ है फिशेज देखने का या जिसने नहीं देखी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर हमने सोचा कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस ले लिया जाए। बट हम इसके अंदर गए और हम अपनी मस्ती करने में लगे थे, ये पूरी मछलियों का मजाक बनाते रहे। पर कई कई जगह पे हमें अच्छा भी लगा, जैसे ये देखो ये ब्लू लाइटनिंग और उसके ऊपर पानी और फिशेस, मतलब जो वो नज़ारा था, साइट था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। अगर आप इमेजिनेशन में खोने वाले इंसान हो या बहुत इमेजिनेशन में चलने वाले, तो आपके लिए अच्छा है। बट अगर आप नॉर्मल दूसरों की मजाक वाला वैसे वाला इंसान हो तो नहीं, तो आपको बोरिंग लगेगा। बट हाँ, हमें फिशेस और नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर आगे हमने देखी इतनी बड़ी बड़ी व्हील्स, ये इसको नाम नहीं दे रहे थे, एक चीज़ थी यहाँ पे, अगर फिशेस रखी हैं तो उनके नाम भी देने चाहिए थे ताकि पता चले, इससे नॉलेज बढ़े। फिर यहाँ हाथी थे, रियल नहीं है, नकली हाथी हुए थे। और फिर उसके बाद मैं आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ पर एक पानी के अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी विष्णु जी की, और उसके साथ एक शिवलिंग रखा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही वो, उसमें फिर बहुत सारी गोल्डन कलर के फिशेस थी। लोग तो काफ़ी टाइम तक इसे देखते रहे और देखने का मन भी करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी सारी। तो फिर जब यहाँ से निकले तो आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे एक रिंग वाला रिंग गेम था, उसमें जो रिंग जाएगी वो गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या था, फ्रूटी, तो हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि फ्रूटी के लिए क्या ट्राई करें। फिर हमें भूख लग रही थी तो हम निकल चुके हैं खाने के लिए, पर खाने के बीच बहुत सारी मार्केट भी हैं तो हमने वो सब भी देखी। और हमारी नज़र पड़ी एक एंटीक शॉप में, यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे एंटीक मटीरियल्स पड़े हुए थे, और मन तो करता सारे ले लें, बट अभी इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने यहाँ एक क्लॉक पूछी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अगर आप, मतलब आपको चाहिए तो
मिल जाएगी, वैसा इस टाइप का है, बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और जिसको अपने न्यू घर डेकोरेट करना है या शौक है जिसको डेकोरेशन का, वो कर सकता है। इसके बाद हमने काफ़ी सारी कैप ट्राई की और गॉगल्स ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी बच्चों की। और फिर हम आगे गए, आप हंसोगे क्योंकि एक भैया चिल्ला रहे थे सिल्वर गोल्ड प्योर, वो भी 10-10, 20-20 रुपीज़ के, मतलब रिंग्स आप छोटे छोटे लोगे अगर वैसे। और यहाँ पे आप देखो कि ये जो क्रॉकरी का सामान है 100-100 रुपीज़ में आपको ट्रे मिल रही हैं, 10-10 रुपीज़ की आपको कटोरियाँ मिल रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब जिसको शौक है लेने का वो ले सकता है यहाँ पे आके। फिर हम थोड़ा एसेसरीज लाइन में गए जहाँ पे 30 रुपये की सेल थी, कुछ भी ले लो। ये पर्सेज नहीं, पर्सेज 100 रुपये सेल थी। और फिर उसके बाद हमें लगी फ्रूट और हमने ट्राई की स्ट्रीट साइड चाउमीन एंड मोमो। कितना भी एक्सपेंसिव में जाओ ना आप, पर आपको मोमो स्ट्रीट साइड ही पसंद आई है। और इसके बाद हमने देखा सिलवट्टा और फिर हम निकल पड़े। हमने बुढ़िया के बाल लिए और फिर क्या, बच्चे इतने थक गए थे, हमको 10-10:30 बज गए थे आते वक्त, वो ऑटो में ही सो गए। और क्या, फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ वापस। पर ये एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल था और बहुत ही ज़्यादा यादगार। और मैंने आपको याद दिलाया था पराठा और हलवा, ये उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था।